पाकिस्तान में केसेस जो हैं वो दरमियान में एक बहुत जल्दी नंबर्स इंक्रीज होना शुरू हुए थे, अब थोड़ा सा वो उन्होंने उसको कंट्रोल किया या केस हो गए हैं या कर लिया है। इस वक्त 2,70,000 के करीब केसेस हैं और इसमें जो कंफर्म केसेस टेस्टिंग के अगेंस्ट हैं वो नंबर जो है वो 15% है, जो कंपैरेटिवली देखा जाए तो ये ज्यादा नंबर है, क्योंकि जो वर्ल्ड में नंबर आ रहा है वो आ रहा है 5%, साउथ एशिया में 9% और पाकिस्तान में कंफर्म केसेस आ रहे हैं 15%। थोड़ा सा आगे इसको लेके जाते हैं डिस्कशन, इंडिया में कंफर्म केसेस 8% है और बांग्लादेश में ये 20% है। अच्छा, इसको जब हम देखते हैं परसेंटेज जो रिकवरी रेट का है, उसमें जो रिकवरी रेट है पाकिस्तान का एकदम बहुत जल्दी इम्प्रूव होना शुरू हो गया, ये अब 79% रिकवरी रेट है, जबकि वर्ल्ड में 59% है, बांग्लादेश का वर्ल्ड से कम है 55% और इंडिया 63 है। तो रीजन में पाकिस्तान जो है वो 79% पे रिकवरी रेट के साथ है और डिसीज केसेस में भी जो हाईएस्ट है वो फ्रांस में 17% था और वर्ल्ड का एवरेज जो 4% है और इंडिया पाकिस्तान 2% पे है और बांग्लादेश 1% पे है। तो इससे हम ये समझते हैं कि साउथ एशिया में ये वायरस इतना डेडली वायरस नहीं रहा जितना कि बाकी रीजन्स में ये था। इसमें हाँ, ये ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो डिस्कशन जिस पे हमारे एक्सपर्ट हमें उस पर थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे। अगर हम इस पे ये देखें कि जो पर मिलियन टेस्ट कंडक्ट हुए हैं वो यूके में हाईएस्ट है, जो कि तकरीबन 1 लाख में से 199,000, यानी ऑलमोस्ट उन्होंने 20% पॉपुलेशन अपनी कवर की है जो उन्होंने टेस्ट कंडक्ट किए हैं। जबकि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश आपको बिल्कुल आखिर में नजर आएंगे, इंडिया ने पर मिलियन जो है वो कोई 10,600 टेस्ट किए हैं, पाकिस्तान ने 8,000 किए हैं और बांग्लादेश ने 6,400 किए। इसी तरीके से जो कंफर्म केसेस की परसेंटेज है वो भी फिर उसी प्रोपोर्शन में आपको बॉटम पे ही आपको नजर आएंगे, बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया। अच्छा, लेकिन इसको दूसरी तरफ जब हम इसको इसका कोरिलेशन देखते हैं तो ये नेगेटिव कोरिलेशन है कि जो परसेंटेज कंफर्म केसेस का वो हमारा हाई है, यानी हमारा जो परसेंटेज है वो हाई है और हम टेस्ट कम कर रहे हैं और जिन कंट्रीज ने इसको अच्छी तरीके से सीरियस तरीके से इसको एड्रेस करने की कोशिश की है उनका परसेंटेज, उन्होंने पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा कवर किया और उनका 2% है। यूके ने सबसे ज्यादा टेस्ट किए और उनका कंफर्म केसेस का परसेंटेज 2% है, ठीक है, और पाकिस्तान जो है इसका 15% है, बांग्लादेश का 20% है और इंडिया का 8% है। तो ये चीज इसको ये कंफर्म कर रही है कि टेस्ट कम होने की वजह से ही हमारे कंफर्म केसेस भी कम रिपोर्ट हुए हैं और क्योंकि ये वायरस इतना डेडली इस रीजन में नहीं था तो हम शायद उसको सिर्फ जो है वो डिसीज केसेस में ही इसको असेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसमें ये ग्राफ अगर आप देखें तो पाकिस्तान का जो पीक था वो मिड जून में था जिसमें 6,825 केसेस रिपोर्ट हुए और जो लास्ट केस रिपोर्ट हुए हैं एक दिन में वो 1,332 हैं। तो हमारा जो मिड जून में पीक था अब वो जुलाई के एंड तक हम पहुंच रहे हैं तो ये मुसलसल डिक्रीज हो रहा है। अब सिर्फ इसमें एक रिस्क फैक्टर है कि शायद ये इंक्रीज करेगा ईद के बाद, शायद ये सिचुएशन सामने आए। दूसरा ये है कि डेथ केसेस का भी जो पीक था वो भी हमारा 28 जून को था, उसके बाद जो है वो फिगर दोबारा कोई इतना बड़ा फिगर सामने नहीं आया, बीच में दो स्पाइक थे। इंडिया का ये है कि अभी तक पीक नहीं आया, अभी परसों जो है उनका हाईएस्ट रिकॉर्ड था 40,425 केसेस एक दिन में और उनका जो डेथ का एक पीक है वो बड़ा ही अनयूजुअल किस्म का 2003 का फिगर है, जो मुझे इसका शायद ज्यादा आइडिया नहीं है कि ये एक दिन में इतनी डेथ रिपोर्ट हुई है, तो मैंने उसको गूगल भी किया, मुझे कोई इस पे मिली नहीं, कोई न्यूज़ नहीं मिली कि ये इतना बड़ा फिगर जो है वो क्यों रिपोर्ट हुआ था, लेकिन है ये वैलिड फिगर। बांग्लादेश जो है इसका भी जो पीक है ये जुलाई 1st में था और सेम एज डिसीज केसेस वो भी वही था, लेकिन इतना इसका जो रिडक्शन है वो इतना ज्यादा नहीं है, यानी अभी तक बांग्लादेश के केसेस रिड्यूस नहीं होना शुरू है, लेकिन जो हाईएस्ट था वो 1st जुलाई के बाद था, उतना वो रिपोर्ट नहीं हुआ।
अच्छा, इसी तरीके से जब हम अपने प्रोविंशियल लेवल पे जब देखते हैं चीजों को, तो उसमें भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं? अब ग्रीन एरिया जो रिकवरी का है वो सब में इम्प्रूव हो चुका है, और इसमें अगर आप ये देखें कि जो एजे के बल्तिस्तान और हैं, ये तो 1-1% कंट्रीब्यूट करते हैं केसेस में, इस्लामाबाद 6% कंट्रीब्यूट करता है, और दूसरे लेवल पे जब हम देखते हैं तो इसमें सिर्फ एक चीज जो नजर आ रही है वो केपी में डेथ रेट था जो 4% तक गया, अदरवाइज ये 1% 2% का है और एवरेज इसका 2% ही आ रहा है। अब सिंध में जो इसका केसेस का जो शेयर है वो कराची मेरे, एक तो मैं ये भी अपने एक्सपर्ट से चाहूंगा वो उसको भी बताएं, ये पॉपुलेशन की बजाय हमें पॉपुलेशन डेंसिटी पे इसको देखना चाहिए, क्योंकि कराची सबसे बड़ा सिटी है और वहां पे ये केसेस ज्यादा रिपोर्ट हुए हैं, तो हम जब प्रोविंशियल एनालिसिस करते हैं तो बेसिकली ये एनालिसिस बनता है कराची और लाहौर का, ये सिंध और पंजाब का एनालिसिस पॉपुलेशन से मेरा नहीं ख्याल के इसकी कोई रीजन बनती है। कराची की पॉपुलेशन को अगर आप लाहौर की पॉपुलेशन के साथ कंपेयर करें तो वो एक सेंस बनती है। तो ये एक थोड़ा सा क्विक रिफ्रेशर है, ये मैंने प्रेजेंटेशन ग्रुप में भी आप लोगों के साथ शेयर कर ली है। अब मैं इसमें रिक्वेस्ट करूंगा बेनजीर से कि आप जरा थोड़ा सा बताएं कि आपके क्या फाइंडिंग्स हैं, टेस्टिंग क्यों कम हुई, और जो वल्नरेबिलिटी है हमारे हेल्थ वर्कर्स की उसको भी आपने बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, तो जी बताइए। टेस्टिंग हमने जो सबसे ज्यादा अभी तक पिछले 4 महीने में सबसे ज्यादा जो की है वो 19 जून में हमने 31,000 टेस्ट, उसके बाद से हमारी बाकायदगी से टेस्टिंग जो है वो कम हो रही है, बल्कि मेरे ख्याल से कल या परसों हमने कुछ 17,000 टेस्ट किए हैं। तो हमारी कैपेसिटी हमारी है कुछ 70,000 से ज़्यादा कैपेसिटी है, 130 हमारे लैब्स हैं पूरे पाकिस्तान में, लेकिन हमारी टेस्टिंग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। अच्छा, इसकी काफ़ी ज़्यादा वजूहत हैं, हर सूबे की अलग अलग वजूहत है। एक पंजाब की जो है, पंजाब में ज़रा सी एक शिफ्ट आई है स्ट्रेटजी में, उनकी स्ट्रेटजी में शिफ्ट ये है कि वो कहते हैं कि अब हम पैसेंजर जो मुसाफिर आ रहे हैं बाहर से उनको हम टेस्ट नहीं करेंगे। पहले वो काफ़ी ज़्यादा मुसाफिरों को टेस्ट कर रहे थे, अब उन्होंने वो कम कर दिया, तो उससे भी काफ़ी टेस्टिंग गिरी है। दूसरी चीज़ पंजाब में जो ये हो रही थी कि एक जब पेशेंट रिकवर करता है तो उससे पहले वो आपको 2 दफ़ा टेस्ट करते हैं, 2 दफ़ा 24 घंटों में या 48 आवर्स में आपको टेस्ट करते हैं, उसके बाद आपको डिस्चार्ज करते हैं अगर 2 दफ़ा आपका नेगेटिव आए। वो भी पंजाब ने अब चेंज कर दिया रिकवरी का कि अब वो आपको 10 दिन बाद अगर आप एसिम्टोमेटिक हैं तो वो आपको वैसे ही रिकवर्ड अब मान लेते हैं, आपको पेपर पे लिख देते हैं रिकवर्ड है। अगर आप सिम्टोमेटिक हैं तो वो आपको 3 दिन और देते हैं 10 दिन के बाद, मतलब 13 दिन बाद वो आपको रिकवर्ड कर देते हैं अनलेस यू आर वेरी सीरियस। तो ये एक स्ट्रैटेजी में चेंज आया। अच्छा, केपी में और सिंध में एक ये प्रॉब्लम आई है, जब मेरी वहां पे बात हुई वो एक ये थी कि जो अमला है, टिब्बी अमला है, जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं जो लैब्स में काम कर रहे हैं, वो उनमें काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गई थी, तो उसकी वजह से भी टेस्टिंग में कमी आई, क्योंकि ये तो शिफ्ट्स में 24 घंटे काम करते हैं। दूसरी एक वजह ये थी कि एक गर्मी की वजह से जब ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करने जाती है, ये टीम्स जाती हैं, तो उनको पहनना पड़ते हैं वो पर्सनल प्रोटेक्शन सूट, और गर्मी में उसके अंदर काम करना, उसके अंदर सांस लेना बहुत ही मुश्किल होता है, तो उसकी वजह से भी वो कहते हैं कि कुछ कमी है। ये कुछ रीजन हमें बताई गई हैं, लेकिन ये हमें बताया गया कि इसकी वजह से टेस्टिंग में कमी आई है, लेकिन अभी तक मेरे पास इस चीज़ का जवाब नहीं है। और मैंने अक्सर यहाँ पे हुकूमती अफसरान से भी पूछा, हेल्थ ऑफिशियल से भी पूछा है कि आप टेस्टिंग बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है कि टेस्टिंग बढ़ाने के लिए आपके पास कैपेसिटी तो 70,000 की है। असद उमर साहब जो हमारे फेडरल मिनिस्टर हैं वो तो कहते हैं कि इस महीने के आखिर तक, और अभी कुछ दिन में महीने का आखिर भी आ जाएगा, हम 1 लाख तक टेस्टिंग लेके जाएंगे, लेकिन हमारी कैपेसिटी है, लेकिन हम उसको यूटिलाइज 30 से 40%, अब तो उससे भी कम हम उसको यूटिलाइज करें। तो आपके पास अगर इतनी ज्यादा लैब्स हैं, आप उनके बिजली का बिल दे रहे हैं, आपके माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, आपकी कैपेसिटी है, आपके पास किट्स हैं, तो फिर आप टेस्टिंग कैपेसिटी क्यों कम हो रही है? शुरू में जब ये आउटब्रेक शुरू हुआ था तब तो हमें कहा गया था कि देखिए हमारे पास किट्स भी कम है, अभी माइक्रोबायोलॉजिस्ट भी कम है, लैब्स भी इतनी ज्यादा नहीं है, तो चले तब तो शुरू में टेस्टिंग कम थी, लेकिन अब ये एक वजूहत है जिसकी वजह से हमें समझ नहीं आ रही कि टेस्टिंग क्यों कम की जा रही है। जहाँ तक पॉजिटिविटी रेट का है, अगर आप ऑफिशियल आदादोशुमार देखें तो वो कहते हैं हमें कि पॉजिटिविटी रेट भी पाकिस्तान का कम हुआ है। अच्छा, पॉजिटिविटी रेट ठीक है, बिल्कुल हुआ होगा कम, क्योंकि हमने थोड़ा बहुत तो लॉकडाउन कहीं ना कहीं लगा के तो रखा है, लेकिन अगर आपने ज्यादा टेस्टिंग की होती, मतलब कि अगर आप 50,000 टेस्ट कर रहे होते दिन में और फिर भी आपके 2,000 या 3,000 केसेस आ रहे होते, तो फिर हम शायद
समझ भी आती है कि केसेस में बड़ा वाजे तौर पर डिक्लाइन आए। यहाँ पे तो आपकी टेस्टिंग भी कम हो रही है और केसेस भी कम हो रहे हैं। जैसे मैं कह रही थी 19 जून को हमने जब सबसे ज्यादा टेस्टिंग की उस दिन हमने 6000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट किए, लेकिन जिस दिन हम कम टेस्ट करते हैं उस दिन कम रिपोर्ट होते हैं। तो ये कह देना कि, और मैं डॉक्टर जफर मिर्जा को भी अभी सुन रही थी, वो कह रहे थे कि टेस्टिंग का ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि बार बार ये बात की गई है कि टेस्टिंग के बगैर आपको नहीं पता चल सकता कि आपके एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं। ये एक ऐसा वायरस है जिसके एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को 30-40% होते हैं। तो आपको एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स ढूंढने के लिए आप क्या करें? अब अभी तक हमारी जो एक ओवरऑल स्ट्रेटेजी है पूरे मुल्क में, सिंध हो, पंजाब हो, केपी हो, वो ये है कि हम सिर्फ सिम्प्टोमेटिक टेस्टिंग करेंगे। मतलब कि आप फोन करते हैं हमारे हेल्पलाइन पे, आप कहते हैं मुझे ये खांसी है, बुखार है, या तो फिर वो आपसे कहते हैं ठीक है आप जाके टेस्ट कराएं। अगर आपने कोई सिम्टम्स नहीं है तो वो आपको अभी भी टेस्ट नहीं करेंगे। आप चाहे आप फोन करके ये भी कह दें कि मैं एक पॉजिटिव पेशेंट से कॉन्टेक्ट में आया हूँ, वो आपको फिर भी टेस्ट नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी, मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा लूपहोल है हमारी टेस्टिंग पॉलिसी में। जी बहुत आप थोड़ा सा हेल्थ वर्कर्स का जो भी आप कहीं पे मेंशन कर रही थी कि काफी दिन से इन्होंने उसको अपडेट नहीं किया नंबर्स को, तो वो क्या रीजन है और उनका क्यों ये लैग क्यों आ रहा है रिपोर्टिंग का? हेल्थ केयर वर्कर्स का मैंने पता भी करने की कोशिश की थी। देखिए मैं ज़्यादातर पंजाब की ही रिपोर्टिंग करती हूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादातर यहाँ का डेटा होता है। यहाँ पे पंजाब में शुरू में पिछले एक दो महीने पहले हर दो हफ्ते बाद टेस्टिंग होती थी, हेल्थ केयर वर्कर्स का नंबर इसका जो भी हमें ऑफिशियल डेटा मिल रहा था उसमें बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन 16 जून से हमारा जो हेल्थ इन्फेक्टेड हेल्थ केयर वर्कर्स हैं पंजाब का डेटा, वो उसके बाद से वहीं पर रुका हुआ है, स्टैग्नेंट है, उसके बाद से वो नंबर ही नहीं बढ़ा। तो इससे तो यही जाहिर होता है कि टेस्टिंग ही नहीं हो रही हेल्थ केयर वर्कर्स की। अब जब मेरी इंटरनेशनल हेल्थ एक्सपर्ट से भी बात होती है, शायद अब बेशक आपकी टेस्टिंग कम हो जो भी मुल्क है, अगर आपकी सबसे टेस्टिंग लिमिटेशन है, कोई ऐसा मुल्क नहीं है अभी दुनिया में जिसको टेस्टिंग लिमिटेशन है, लेकिन वो कहते हैं ये है कि आप अपने हेल्थ केयर वर्कर्स जो बिल्कुल फ्रंट लाइन पे हैं, जिसमें आपके नर्स हैं, जिसमें आपके डॉक्टर हैं, आपके सैनिटरी स्टाफ है, तो आपने बताया बहुत ज्यादा ऑब्वियसली बात है जब उनके अंदर वो एसिम्प्टोमेटिक है, वो वायरस कैरियर है और वो ट्रीट कर रहे हो पेशेंट से, तो उनसे बहुत ज्यादा फैलता है। यहाँ पे टेस्टिंग बहुत कम हो गई है और ये रेगुलरली होनी चाहिए। बल्कि आप यूके की बात कर रहे थे, यूके में तो उन्होंने मेरे ख्याल से वीकली या एवरी बाय वीकली एक रखा हुआ था कि वो स्क्रीन करेंगे केयर वर्कर्स को, तो उनके एस्टिमेट के मुताबिक 1/3 जो वायरस की इन्फेक्शन है वो कम हो सकती है, अगर आप फैलाव जो है वो कम हो सकता है अगर आप डॉक्टर्स को कॉन्स्टेंटली वो टेस्ट करते रहेंगे। यहाँ पंजाब में टेस्टिंग नहीं हुई। यहाँ पे भी यही होता है, अगर कोई डॉक्टर आ गया और उसने कहा मुझे सिम्टम्स हैं तो आप टेस्ट कर देते हो, अगर डॉक्टर नहीं आया या किसी ने आपको इत्तला नहीं दी तो फिर आपने टेस्ट नहीं किया। ये हम लोग अभी भी एक रिएक्टिव हमारी टेस्टिंग पॉलिसी है कि अगर कोई आ गया हमारे पास और उसने कहा कि मुझे सिम्टम्स हैं तो हम टेस्ट कर देंगे। हम अभी प्रोएक्टिव नहीं हुए, अब हमें प्रोएक्टिव हो जाना चाहिए कि हम जाके खुद इस वायरस को ढूंढें और ढूंढें उन लोगों को जो कैरियर्स हैं जिनको पता नहीं है या एसिम्प्टोमेटिक। ठीक, थैंक यू। जुबैर, आपसे गुजारिश है कि कुछ आप शेयर करें कि अभी जो रिसेंट आप रिसर्च वर्क कर रहे हैं हेल्थ सिस्टम के हवाले से। जी थैंक यू वेरी मच बिलाल फॉर हैविंग मी हियर। हमारा जो अभी बहुत रिसेंटली हमने काम स्टार्ट किया है इसके ऊपर, और ब्रॉड ब्रश से हमारे पास चीज़ें हैं जिसपे हम बात करें। जो हमारा अभी तक जो प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स हैं हमारी साउथ एशिया के हवाले से, वो दो तीन डायमेंशन। आपको मेरी आवाज आ रही? जी आ रही है। दो तीन चीजें हैं बड़ी बड़ी जो इसमें जो हमें नजर आ रही हैं। एक तो ये कि वो साउथ एशिया में वो इलाके, साउथ एशिया की चूंकि बहुत डाइवर्स की रीजन है, तो वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि साउथ एशिया के अंदर डाइवर्सिटी है हेल्थ केयर सिस्टम्स की। इंडिया के अंदर भी आप देखें तो इंडिया में कुछ स्टेट्स जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने,
जिसमें केराला सबसे बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट है, केराला मॉडल जिसे हम बोलते हैं। पाकिस्तान में भी बिट्स एंड पीसेस में कुछ जगह हैं जहाँ पे अच्छा परफॉर्म किया है एडमिनिस्ट्रेशन ने, और बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लेक्यूनस हैं, जैसे अभी बेनजीर ने बहुत डिटेल में उसकी आप सब बात की उसके ऊपर। जो हमारे ब्रॉड ब्रश जो हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं वो ये है कि वो इलाके, वो रियासतें या वो रीजन या वो मुल्क जहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट पे एक्सपेंडिचर होता रहा है, जहाँ पे उन्होंने लोगों की एजुकेशन पे और हेल्थ पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, नॉट द क्यूरेटिव साइड ऑफ इट, नॉट हैविंग अ ह्यूज नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स और ह्यूज नंबर ऑफ टर्शरी केयर फैसिलिटीज, बल्कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर की जो चीज़ें हैं जहाँ पे, जिसमें श्रीलंका सबसे ऊपर आता है, फिर केरला का नाम आता है इसमें, जिन्होंने उन जगहों पे अपने एक्सपेंडिचर्स बढ़ाए हैं, बेहतर किया है, वहाँ पे इट वॉज पॉसिबल टू कंटेन दिस वायरस एंड प्रोटेक्ट देयर पॉपुलेशंस। केरला में जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट समझ में आती है वो वहाँ की डिसेंट्रलाइजेशन है, कि दे हैव बीन ट्राइंग टू डिसेंट्रलाइज द सोशल डेवलपमेंट थिंग्स, और कंसिस्टेंटली बीच में रिवर्सेज आए उनको पिछले अगर 40-50 साल के ट्रेजेक्टरी को देखें, लेकिन लार्जली उनकी जो डायरेक्शन थी, पर्टिकुलरली जो वहाँ का जो कम्युनिस्ट रेजीम वहाँ पर रहे हैं, उनकी ख्वाहिश यही थी कि आप डिसेंट्रलाइज करें एंड पब्लिक गुड्स क्रिएट करें। सो ये जो मॉडल है कि एंटरप्रेन्योरियल सक्सेस का जो मॉडल है, कि अगर आप बहुत रिच हो गए हैं, आप यू हैव द एबिलिटी टू गो अब्रॉड टू गेट द बेस्ट पॉसिबल हेल्थ केयर सर्विसेज और पर्सनल सक्सेस वाला, परहैप्स दिस हैज बीन क्वेश्चन्ड इन अ वेरी सीरियस मैनर, कि जब तक आप लार्ज स्केल पॉपुलेशन को प्रोटेक्शन नहीं देते, जब तक आप वहाँ पे वैक्सीन नहीं लेके आते, या लोगों को एडिक्यूट हेल्थ सीकिंग बिहेवियर्स लोगों के चेंज नहीं करते, लोगों को एम्पावर नहीं करते कि वो अपने लिए ये फैसिलिटीज क्रिएट कर सकें जहाँ पे वो एपिडेमिक से बच सकते हों, जिस तरीके से वो मुल्क वो जगह बहुत वल्नरेबल हैं। दूसरी बात जो हमें समझ में आ रही है वो ये है कि साउथ एशिया इन पर्टिकुलर, बिकॉज ये ऑन एवरेज ये ह्यूमन डेवलपमेंट पे कम खर्च करता है, पाकिस्तान रिलेटिवली सबसे कम खर्च करता है, अगर इसके परसेंटेज ऑफ जीडीपी एक्सपेंडिचर्स ऑन डिफरेंट सेक्टर्स अब देखें तो ये डिफेंस के मुकाबले में भी कम खर्च करते हैं, एजुकेशन पे, हेल्थ के ऊपर, तो साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा डिफेंस पे खर्च करते हैं, सबसे कम ह्यूमन डेवलपमेंट पे खर्च करते हैं। तो उसमें हमें ये समझ में आया कि जो किसी मुल्क की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी का स्ट्रक्चर है, दैट आल्सो डिटरमिन्स द हेल्थ आउटकम्स। पाकिस्तान में मुझे ये लगता है कि मसला इतना छोटा नहीं है जितना हमें इस वक्त नजर आ रहा है, जिसमें एक टेस्टिंग का इशू है और लोगों का हेल्थ सीकिंग बिहेवियर का इशू है। आप टेस्टिंग बढ़ा भी ले, कैपेसिटी तो आपके पास है, लेकिन लोग कैसे हेल्थ सीक कैसे करते हैं, दैट आल्सो मैटर्स। अच्छा, फिर ये दो तीन चीजें, एक तो टेक्नोलॉजिकल स्टेट ऑफ योर टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी प्लस डिसेंट्रलाइजेशन प्लस एम्फोसिस ऑन पब्लिक हेल्थ केयर, ये तीन चार चीजें जो हैं ये हमें अभी तक नजर आ रहा है कि ये की डिटरमिनेंट्स हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, साउथ एशिया में, पर्टिकुलरली पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में तो खैर बिल्कुल ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उस तरह का, जिसकी काफ़ी सारे शदीद प्रॉब्लम्स हैं, वे शायद परहैप्स इट रिक्वायर्स अ सेपरेट डिस्कशन एज वेल। यहाँ पे जो पब्लिक हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ नॉलेज सिस्टम है, विच इज़ कॉल्ड एपिडेमियोलॉजिकल सेंस या एपिडेमियोलॉजिकल नॉलेज, वो आपके हेल्थ सिस्टम से बिल्कुल आउट है। आपके पास CDC की तरह का कोई इदारा पाकिस्तान में नहीं है जो पेंडेमिक्स को या एपिडेमिक्स को अपने रडार पे कहीं देख रहा हो। सिर्फ उन जगहों पे जहाँ पे ग्लोबल कंसर्न आ गया हम भी चल पड़े। बहुत सी ऐसी डिजीज़ हैं जो अनअटेंडेड पड़ी हुई हैं, जो सिर्फ लोगों की एजुकेशन बेहतर करने से ठीक हो सकती हैं, जिसमें आपको मिसाल देता हूँ आगे चल के, जो बहुत कम लागत पे बहुत कम पैसे खर्च करके सिर्फ नॉलेज सिस्टम्स को इम्प्रूव करने से आप लोगों की ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं, वो हम नहीं करते। हम एक प्रोजेक्ट कर रहे थे एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तानी फिजिशियंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका के साथ, मैं उनके साथ काफ़ी देर तक मुंसिक रहा। हमें समझ में ये आता था उस वक्त कि, और इस वक्त भी पाकिस्तान का शायद बड़ा मसला ये है कि आपके पास वैक्सीन भी होती है
आपके पास वैक्सीनेटर भी होता है, आपके पास जिनको वैक्सीन चाहिए रिसिपिएंट वो भी होता है, लेकिन ये तीनों लोग कोऑर्डिनेटेड नहीं होते आपस में। आपके पास टेटनस टॉक्साइड मौजूद होती है, आप खवातीन को नहीं लगाते, खवातीन अपनी जचगे के दौरान टेटनस से मर जाती। आपके पास यानी कि प्रोटेक्शन का सिस्टम होता है वो ऑपरेशनलाइज नहीं होता, क्योंकि आपके पास वो एपिडेमियोलॉजिकल सेंस मतलब आपके बीएचयू से डीएचयू लेवल से जितनी मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी की रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, दीज रिपोर्ट्स आर नेवर यूज्ड फॉर रिसोर्स एलोकेशन, ये किसी डस्टबिन में फेंक देते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपके पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को जिसने फ्रैक्चर करके रख दी है, जिसने बड़े बड़े अस्पताल और टीचिंग हॉस्पिटल डॉक्टर्स को प्रोड्यूस कर लिए हैं और जिन्होंने बाहर जाके नौकरियां लोगों ने कर ली होंगी, लेकिन आपका हेल्थ केयर जो प्रोटेक्शन का सिस्टम है जहाँ पे लोगों की लॉन्जिविटी जहाँ से निकलती है, जहाँ से लोगों की ह्यूमन डेवलपमेंट का जो बहुत बड़ा एलिमेंट है, वो दैट इज लैगिंग बिहाइंड। हमने 10 साल 12 साल हम काम करते रहे मुख्तलिफ रीजन्स में, हमारा हम किसी को कोई दवाई नहीं देते थे, हम सिर्फ लोगों को एजुकेट करते थे वार्निंग साइंस ऑफ डिजीजेस के ऊपर, जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं इस पे हम वैक्सीनेशन का लोगों को कहते थे, और डायरिया जो मेजर किलर है हमारे रूरल एरियाज में, जो डिसेंट्री में चला जाता है, टाइफॉइड है, इस तरह की जो कम्युनिकेबल डिजीज है जिससे आप सिर्फ थोड़ी थोड़ी प्रिकॉशन से पानी उबाल के पीने से या ये बहुत से लोग चीज़ों को टच ना करने से, हाथ धोने से, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने से आप बचते हैं, जचगी के दौरान खवातीन को जो थोड़ी बहुत जो केयर चाहिए होती है, सिंपल ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना, उनका वेट गेन को मॉनिटर करना, ये हम चीज़ें बच्चों की ग्रोथ का हम उनको वेट करने का तरीका बताते थे। हमने देखा कि इन्फेंट मोर्टेलिटी 10 साल में आधे से कम पे हम ले थे, अगर पाकिस्तान में उस वक्त 110 थी तो हमारे यहाँ 50 के करीब थी, और ये ये एक कोहोर्ट स्टडी का मैं आपको बता रहा हूँ, ये रैंडम नहीं है, ये हमने एक साइंटिफिक बेसिस पे हमने इलाके ईयर मार्क करके सेंसस पे घरों को लेके उन घरों में इंटरवेंशन करके और उनको मुसलसल 10 साल हर महीने मॉनिटर करके ही मैं आपको उसके रिजल्ट आपको बता रहा हूँ। हमारे यहाँ डायरिया नहीं होता था, अगर होता था तो ORS की वजह से डॉक्टर के पास जाने से पहले लोग 48 आवर्स में बच्चे ठीक हो जाते थे। हमारी ग्रोथ मॉनिटरिंग के आउटकम बच्चों की ग्रोथ बेहतर थी, वो डीवॉर्मिंग करते थे, बच्चे सेहतमंद रहते थे। ये साहिवाल में, मरी में, चंद जहाँ जगह पे मर्दान में, जहाँ पे हमारे बदीन में, सिंध में हम इंटरवेंशन करते थे, और ये प्राइमरी हेल्थ केयर की एपिडेमियोलॉजिकल डेटा हम लेते थे, हमें एग्जैक्टली पता होता था इस महीने में कहाँ कहाँ दचगी होनी है, कहाँ कहाँ कितने टीके लगने हैं, कितने बच्चे नए पैदा होने हैं, हमें उसका पता होता था, ताकि वहाँ पे वैक्सीनेटर जाके उनको वैक्सीनेशन कर सके। सो वी बेसिकली ब्रिज दैट गैप। ये जो सेंस है जिसकी बुनियाद पे आपका, जिसके लिए आपको बेसिक हेल्थ यूनिट्स बनाए गए थे पाकिस्तान में, वो ये फंक्शन नहीं कर रहे, और यही चीज़ इसी को अगर आप बढ़ाते जाएं, देखते जाएं, तो साउथ एशिया में वो रियासतें, वो जगहें, वो रीजन जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं इस वक्त कोविड में, वो वही हैं जो प्राइमरी हेल्थ केयर में जो लैग बिहाइंड कर रहे हैं, जो उसमें नहीं कर। अच्छा, जो हमने रिजल्ट्स अचीव किए थे प्राइमरी हेल्थ केयर के, जो मैं आपको अपना सेहत के प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था, उसको जब हम फाइनेंशियली कैलकुलेट करते थे, जो हम इतनी नंबर ऑफ लाइफ सेव करते थे, मॉर्बिडिटी का प्रोफाइल, डिजीज बर्डन कम्युनिटी पे कम था, वो less than $1 पर पर्सन पर ईयर, डिस्पाइट के हमारा रुपी शट करता था वैल्यू अपनी, लेकिन less than $1 पर पर्सन पर ईयर। हमारे यहाँ 10 साल में मरी में कोई मटर्नल मोर्टेलिटी नहीं थी, एक सिर्फ हुई थी मुझे याद है बदीन में, एक हुई थी मटर्नल मोर्टेलिटी, जिसकी और उसकी और भी रीजंस थी अदर देन जो हम इंटरवीन करते थे, जो हमारा इंटरवेंशन का था मॉडल उसमें। तो सो साउथ एशिया में भी हमारी जो ब्रॉड ब्रश अभी तक जो हमारी फाइंडिंग्स हैं वो वही हैं कि अगर आप अपने सिस्टम्स को डिसेंट्रलाइज नहीं करते, आप फिस्कल वहाँ पे सपोर्ट नहीं क्रिएट करते, नंबर 3 आपके मुल्क की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान 8,000 रुपए का टेस्ट लेके आता है, 9,000 रुपए का, वो करते करते 10-12,000 रुपए का एक टेस्ट मिलता है। इंडिया में वो इंडिजिनस इसको डेवलप करते हैं, हमारे पास एटम बम बनाने की सलाहियत है लेकिन एक वेंटिलेटर बनाने की नहीं है।
हम मिसाइल प्रोग्राम बना सकते हैं लेकिन अच्छी क्वालिटी का थर्मामीटर नहीं बना सकते कि लोगों का टेम्परेचर गेज कर सके. सो दिस इज द काइंड ऑफ डेवलपमेंट दैट वी हैव. अच्छा, फिर वेंटिलेटर्स की टेक्नोलॉजी के भी मुख्तलिफ स्केल्स हैं. सो वो जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डिफ्यूजन है सोसाइटी में, दैट ऑल्सो मैटर्स और इट विल मैटर मोर बिकॉज वी आर एंटरिंग इन टू द एज ऑफ पेंडेमिक्स. ये खत्म नहीं होगा, ये वायरसेस और आते जाएंगे. जिस तरीके से हमारे अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, जैसे जिस तरह एक्सपेंशन हमारी हो रही है, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स. एंड बचने का तरीका यही है, यही पोलियो से बचने का है, यही डायरिया से बचने का है, यही कोविड से बचने का है, यही ARI के दूसरे इन्फेक्शन से बचने का है, यही सोशल डिस्टेंसिंग होती है, यही हाथ धोने होते हैं. मास्क एडिशनल आ गया है बट यू कैन यूज इट स्पेयरिंगली. क्राउड से बचने का है. सो यू हैव टू टेक ऑल दीज प्रिकॉशन. पर्टिकुलरली जो हैंड वॉशिंग है, यू हैव टू हैव दिस ऑल थ्रू योर लाइफ नाउ. फॉरगेट अबाउट कोविड, फॉरगेट अबाउट एनी अदर थिंग, यू हैव टू गो थ्रू दिस. अब ये साउथ एशियन कंट्रीज कैसे अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में, अपने एजुकेशन प्रोग्राम्स में, अपने चीज़ों में एम्बेड करते हैं इन चीज़ों को, दिस इज द क्वेश्चन. दिस इज वी आर ट्राइंग टू लुक इन. We are trying to understand that how this money is being spent, and we are trying to track this thing now. Thank you very much. Zubair, shukriya aapka. Sirf ek sawal ye ki ye jo aap research work kar rahe hain, ye aap kis platform se kar rahe hain? Ye South Asia ka ek idara hai, SAUTI uska naam hai. To hum unke saath milke kar rahe hain. Kuch hamara apna impact ka apna bhi jis idare ke saath main kaam karta hu, hamara apna initiative bhi hai iske andar. और दूसरे जो ज़्यादा इसमें जो साउथ एशिया लेवल पे जो कर रहे हैं वो हम मुख्तलिफ रिसर्चर्स काम कर रहे हैं. तो उसमें साउटी है, साउथ एशिया वॉच फॉर इकोनॉमिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स, उसके साथ मिलकर कर रहे हैं. अच्छा, साथियों से गुजारिश है कि अगर आप कोई भी सवाल बेनज़ीर से और ज़ुबैर से पूछना चाहें जो इस डिस्कशन में आपके जहन में आया हो, तो फ्लोर ओपन है, आप क्लिक कर दें जो भी आप में से कोई सवाल पूछना चाहता है या कोई कमेंट उसमें आप ऐड करना चाहते हैं. जी मेरा सवाल ये बनता है कि आपने बड़े खूबसूरत कंपैरिजन किए बिटवीन द कंट्रीज. पाकिस्तान इज आल्सो वन ऑफ द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज. इसको अगर हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से भी बिलो एक किसी लेवल पर ले जाए तो ये यानी अच्छी बात होगी. लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारा जो कंपैरिजन है वो किसी यूरोप से, किसी अमेरिका से बनता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि ज़ुबैर साहब ने कहा है कि हमारा जो हेल्थ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खासा कमज़ोर रहा है. जो पोस्ट अपना जो प्री COVID-19 है उसमें हम देखते हैं, मेरा ताल्लुक जो है ना मुल्तान से है, साउथर्न पंजाब से, और मैं देख रहा हूँ कि अपने इलाके में कि जब हम डेरा गाजी खान में देखते हैं, राजनपुर में देखते हैं, बहावलपुर या रिमोट एरियाज में देखते हैं, तो हमें हेल्थ फैसिलिटीज़ वो बिल्कुल नज़र नहीं आती. इसके बावजूद जहाँ पर जो एक कंपैरेटिवली बेहतर सूरत हाल रही है, तो मैं समझता हूँ कि COVID-19 क्योंकि ये अभी एक आगाज़ है, पता नहीं कौन कौन सी ये अभी तक तो इसके रूट काज मालूम नहीं हो सके कि ये क्यों आया, और ना ही इसके हम समझते हैं कि इसकी वैक्सीन अभी तक आई है. तो जब तक वैक्सीन नहीं आएगी उस वक्त तक तो यकीनी तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि हम हाउ मच वी वुड बी इन पोजीशन टू कंट्रोल ओवर दिस पेंडेमिक. तो इस सूरत हाल में अगर हम एक सही तजिया करके, जैसा कि दोस्त ने बताया कि वो एक यानी एशियन एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो ये जो उन्होंने कंपेरिजन है वो वहीं से दिया है. लिहाजा बेहतर ये है कि हम अपना जो एक अगर कंपैरिजन करते हैं, एक यूरोप से करते हैं, इटली से करते हैं, जर्मनी से करते हैं, इंग्लैंड से करते हैं, या अमेरिका से करते हैं, तो यहाँ पर यानी उनकी निस्बत हमारे यहाँ जो एक फैसिलिटीज़ हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ना होने के बराबर है. लेकिन इसके बावजूद ही यहाँ पर जो कैजुअलिटीज़ हैं वो यानी मिनिमम रही हैं, और लोग मिनिमम यानी लोगों की वफात हुई है, और जो लोग यानी इस बीमारी से सेहत याब हुए हैं वो एक सेटिस्फैक्ट्री फिगर है. लिहाजा इस सिलसिले में हमें मजीद एक यूनिक स्टडी की ज़रूरत है, जो कि मैं समझता हूँ कि नकीब साहब
हम और आप सबको मिलकर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सवाल जो है वैसे जुबैर साहब से, जो आप जवाब चाहते हैं। जी जी मेरा जुबैर साहब से है। जी जुबैर साहब, आई थिंक बहुत सारा तो इस पर कॉमेंट है जिसके लिए लार्जली मैं उससे एग्री करता हूँ। मुझे ये लगता है कि किसी भी मुल्क से कंपेयर तो जाहिर आप करते हैं, एक तो सेंस है कंपेयर करने की, मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी की जो साइंटिफिक रीजंस हैं उसको समझने के लिए। मतलब जैसे हम ये समझ सकते हैं कि फ्रांस पे या यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में जो जो स्टडीज़ आ रही है उसमें उनका एज स्ट्रक्चर का एक मसला है। इस वायरस का जो बिहेवियर है वो समझ में ये आता है कि जब ये इंसान की बॉडी में जाता है तो इट बेसिकली अफेक्ट्स दोज पीपल मोर हु हैव कोमॉर्बिडिटीज या उनकी एज 80 से ज़्यादा है, जिसके अंदर वो ACE2 रिसेप्टर्स कम हो गए होते हैं, इम्यूनिटी डाउन हो गई होती है। दिस वायरस बिकम्स दिस मिसबिहेव्स इन अ लार्जर वे। सो एज स्ट्रक्चर आपकी सोसाइटी का कि हाउ मेनी पीपल आर अबव द एज ऑफ 80, दे आर वर्स्ट इफेक्टेड, सो नेचुरली वहाँ पर डेथ रेट ज़्यादा है। फिटेलिटी इसकी यंगर एज में कम है, और हमारी चूँकि एज स्ट्रक्चर ऐसा है साउथ एशिया का, उसकी वजह भी एक हो सकती है कि अभी भी मैं देख रहा था पाकिस्तान का भी आप डेटा देखें तो जो 60% तक जो डेथ है वो 50+ में है, इससे नीचे डेथ कम है। 60% से ज़्यादा जो है वो और मेन में ज़्यादा है, फीमेल में कम है। ये इसका यूनिवर्सल बिहेवियर है इसका जो कुछ अरसे में समझ में आया। अच्छा, फिर पाकिस्तान ने फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली जो मेजर पाकिस्तान की जो 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 ट्रांसपोर्टेशन है उसको इन्होंने बहुत अरसे से लॉकडाउन किया हुआ है। पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के तहत किया था, फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता लोगों को कह के किया, मतलब हाँ ना ये वो करते करते भी पाकिस्तान ने लोगों की मोबिलिटी रिस्ट्रिक्ट जरूर की हुई है। और जिसका मेरा ये इंप्रेशन है कि उसने डिजीज़ जब ये ईद आई थी तो स्प्रेड हुआ था, जब मोबिलिटी इंक्रीज हुई थी तो मोर्टेलिटी और मोर्बिडिटी दोनों इंक्रीज हुए थे, और जब ये ईद गुजर गई आहिस्ता आहिस्ता लोग एहतियात करने लग पड़े, डर गए, ये सारी छोटी छोटी प्रिकॉशंस लोगों ने शुरू कर दी। तो यू कुड, क्योंकि इस वायरस ने खुद कहीं नहीं जाना, आपने ही लेके आना है, खुद ही इसके साथ इन कॉन्टेक्ट होना। इट डज नॉट मूव, इट इज जस्ट एन RNA एंड हैव नो ब्रेन्स। यू हैव ब्रेन्स, यू कैन गेट रिड ऑफ इट। तो हमारे शायद ये है कंपैरिजन इस सेंस में करना बहुत शायद इम्पॉर्टेंट होता है सब बिहेवियर समझने के लिए कि वायरस कैसे किस पॉपुलेशन में कहाँ कैसे इफेक्ट करता है। बचने के लिए तो आपको कोई एनॉर्मस अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज नहीं चाहिए, आपको कोई बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल। इस कम्युनिकेबल डिजीजेज का मसला ये है कि दे आर वेरी डेडली, दे आर कम्युनिकेटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, बट टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम दिस डिजीज इज एब्सोल्युटली चीप। आपने सिर्फ हाथ नहीं मिलाना, कितने पैसे लगेंगे इसमें, आपने हाथ धोने हैं कितने पैसे लगेंगे इसमें, आपने क्राउडेड स्पेसेस को अवॉइड करना है कितने पैसे लगेंगे इसमें, आपने छोटा मोटा मास्क यूज करना है ताकि ड्रॉपलेट्स बाहर ना फेंकें, ताकि आप इसको फैलाएं नहीं वायरस को, कितने पैसे लगेंगे इसमें। सो एक्चुअली टू रिस्ट्रिक्ट स्प्रेड ऑफ दिस वायरस इज एब्सोल्युटली ऑलमोस्ट फ्री, वी डोंट डू इट। हम समझते नहीं है, हम इसको उसके साथ मिसबिहेव करते हैं, वो वायरस पर हमारे साथ मिसबिहेव करते हैं। दैट इज वन थिंग। जी कोई और सवाल या कमेंट कोई भी साथी अगर आप करना चाहें। यहाँ पे बस एक चीज ऐड करना चाहूंगी, बात करना चाह रही थी हम, क्योंकि अभी बार बार आई थिंक हमारी एक एजम्पशन है कि केसेस शायद बाकी ममालिक के अगर हम मुआवजा करें या कंपेयर करें तो शायद इतने ज़्यादा पाकिस्तान में नहीं है या मोर्टेलिटी रेट इतना ज़्यादा, मेरे ख्याल से दैट इज़ नॉट एक्यूरेट। इसलिए मैं ये कहती हूँ क्योंकि मैं डेटा जो है वो पिछले 4 महीनों से देखती आ रही हूँ पूरे मुल्क का, NCOC से भी जो हमें आता है, पंजाब से भी आता है, बहुत ज़्यादा इनएक्यूरेसी है और ये बाकायदगी से रही है। इनएक्यूरेसी है डेटा में और डिस्क्रेपेंसीज है डेटा में और रातों रात डेटा जो है वो चेंज हो जाता है। और अब तो यहाँ तक बात पहुँच गई है कि अब तो पॉजिटिव रिपोर्टिंग के लिए मीडिया से कहा जाता है, तो इतनी अगर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी हो तो मेरे ख्याल से उस बेसिस पे हम ये बात नहीं कर सकते या ये हम कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते कि केसेस जो है या मोर्टेलिटी रेट जो है वो
बाकी ममालिक या साउथ एशियन बाकी ममालिक के हिसाब से कम है। ऊपर से हमने टेस्टिंग की भी बात की है, टेस्टिंग भी बहुत कम है। मैं सिर्फ छोटा सा यहाँ पे एक आपको मिसाल दूंगी। 25 जून को मेरे पास डेटा आया ऑफिशियल पंजाब हुकूमत का, उसमें लिखा हुआ था कि लाहौर में, पूरे लाहौर में कोई डेथ नहीं हुई कोरोना वायरस से। एक हॉस्पिटल, सिर्फ मैंने मेयो फोन किया और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपके पास क्या डेटा है डेथ्स का, सिर्फ मेयो हॉस्पिटल में, एक हॉस्पिटल लाहौर में, वहाँ पे 7 डेथ्स हो गई थी, मतलब 7 लोगों की कोरोना वायरस से डेथ हो गई थी। ऑफिशियल डेटा में नहीं एंटर किया गया था, उस दिन भी नहीं एंटर किया था, दूसरे दिन भी नहीं एंटर किया गया, तीसरे दिन भी नहीं एंटर किया गया। तो ये बहुत बड़ा सवाल बनता है कि हमारे पास डेटा कलेक्शन जो है वो किस किस्म की आ रही है, डेटा कितना एक्यूरेट है, क्या डेटा छुपा है। अब तो मेरे ख्याल से, मैं पहले तो चेक करती थी कि ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, मुझे नहीं लगाना चाहिए हुकूमत पे, लेकिन अब मेरे ख्याल से ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है कि क्या कोई डेटा हमसे छुपाया जा रहा है, क्योंकि ये सब पब्लिक रिकॉर्ड होना चाहिए और बहुत से ममालिक में ये पब्लिक रिकॉर्ड है। अब पंजाब हुकूमत का डेटा मेरे पास आता है, लेकिन आपको तो नहीं, अगर आपके पास नहीं आता, अगर आप सहाफ़ी नहीं है तो आपको डेटा नहीं देख सकते। ये तो पब्लिक रिकॉर्ड होना चाहिए, ये एक वेबसाइट पे सारा डेटा डालना चाहिए, कितने डॉक्टर्स हैं जो इन्फेक्ट हुए हैं, कितने डॉक्टर्स हैं जो टेस्ट हो रहे हैं, कितने आप टेस्ट कर रहे हैं, उसमें से कितने टेस्ट हैं जो आप रिपीट टेस्ट कर रहे हैं, कितने, अगर आपने फिर मिसाल के तौर पर 10,000 टेस्ट किए एक दिन में, तो इसका ये मतलब है कि आपने 10,000 लोगों को टेस्ट किया या आपने सिर्फ 10,000 टेस्ट किए, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। ये ट्रांसपेरेंसी और ये इंफॉर्मेशन अभी तक हमें हुकूमत से नहीं आ रही। शुक्रिया बेनजीर। नाजिश, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अनम्यूट कीजिएगा। जी मैं बहुत दिलचस्पी से ये सबको सुन रही हूँ और बात ये है कि ये जो बातें हो रही हैं, ऑब्वियसली हम वी आर लुकिंग एट इट फ्रॉम द ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव, और जो मैं अपने नोट्स लिख रही हूँ उनको भी मैं उसी के हवाले से नोट कर रही हूँ, क्योंकि अभी हमने हाल ही में एक स्टडी की है अक्रॉस द कंट्री जो आप सबने देखी होगी, जो कि HRCP का एक रिस्पॉन्स है टू COVID-19। और तो उसके अंदर जो 2-4 बहुत मोटी मोटी बातें हैं वो ये कि आई एम ग्लैड that this entire meeting is being recorded, क्योंकि इसके अंदर बहुत valuable points हैं हमारे लिए भी reflect करने के लिए। इनमें एक जो नुमाया एक चीज है वो ये है कि जो एक public health awareness की जो बात है वो बहुत ही critically important अब बन गई है, चाहे वो media के through हो, चाहे वो आपके educational institutions के through हो, या जो भी तरीके हों, मगर इसको बहुत एम्फोसाइज करने की जरूरत है। अब जैसे कि हैंड वॉशिंग के बहुत सारे कैंपेन्स चले थे टेलीविजन के ऊपर, तो हमने सबने वो सब चीजें देखी, हमें ये नहीं मालूम कि रेडियो पे क्या कितना इस तरह की चीज हुई। फिर ये कि जो उससे बड़ा सवाल आ जाता है कि बहुत सारी जगहों पे पानी पीने के लिए नहीं है, तो वो हाथ धोने के लिए पानी कहाँ पे होगा, यानी ये वाले सवाल जो है ना, ये बहुत ही क्रिटिकल किस्म के सवाल है और बहुत ही बुनियादी सवाल है। दूसरी जो बात आपने बेनजीर की है खास तौर पे कि ये जो इनएक्यूरेट ऑफिशियल डेटा जो है ये बहुत ही एक क्रिमिनल बात है, कि अगर नंबर एक उसका पब्लिक ना होना और दूसरे ये कि उसको किसी तरीके से डॉक्टर करना या उसको सप्रेस करना, ये तो दिस इज अ क्राइम, यू सी। एंड और इस चीज को मैं ये समझती हूँ कि जहां तक हमारी जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, दिस आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू रेज, एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस शुड बी टॉकिंग अबाउट इट आल्सो, एंड क्वाइट वोसिफरसली, एंड दे शुड डू इट राइट नाउ। ये नहीं है कि हम उसका इंतजार करें और किसी का उसका एनालिसिस या कोई और चीज बाद में करें, मगर सिर्फ मैं आपसे ओवरऑल ये कहना चाह रही हूँ कि दिस इज एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एंड वेरी valuable event that you have organized, that HRCP has organized. Thank you. Shukriya. कोई और साथी अपने views share करना चाहे? जी सलीमा आप। जी पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि भी I found के जो जुबैर साहब ने जो बताया अपने control groups का और के भी उसका जो impact हुआ है ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर, आई मीन आई फाउंड दैट रियली रियली इंस्पायरिंग। इसलिए इंस्पायरिंग क्योंकि
आपको पता है कि लोग तैयार हैं, दे आर रेडी, और उनको अगर आपका एक ऐसा प्रोग्राम हो जो कि नेशन वाइड हो, जिसके बीच में प्राइमरी हेल्थ केयर के जितने भी तौर तरीके हैं दे आर प्रोवाइडेड, तो दे वी कैन एक्सपेक्ट बिहेवियर चेंज। और जो जुबैर साहब ने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा भी ये तो पहला पेंडेमिक है और ये तो ये बार बार कह रहे हैं साइंसदान दुनिया भर में कि वी शुड अनफॉर्चुनेटली वी विल बी लुकिंग एट अदर सच फिनोमेनास इन द फ्यूचर। एंड इस पूरे जो कि अभी नाजिश ने भी कहा कि रिपोर्ट भी जो HRCP कहती है कि वी आर टेरिबली अनश्योर, हमें नहीं मालूम कि इसके मुतल्लिक एटीट्यूड क्या होना है। वो इसलिए क्योंकि हमें पता है कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो इस जगह नहीं लगाए जा रहे। सो यस, इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग, आई मीन एक तो बहुत ही रिडिकुलस सी सिचुएशन हमारे अपने घर में हुई कि हमारे मुलाजिम जो कि हरिपुर से हैं, उनकी फैमिली में, वो खुद तो नहीं गया क्योंकि इसी कोरोना की वजह से, उसकी फैमिली में यहाँ पे एक डेथ हुई और वो बॉडी को लेके जाते हैं हमेशा गांव पहुँचे, पूरा उनको अंदाजा था लंबरदार को जो कि पढ़ा लिखा है, दे आर वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, वो सब TV देखते हैं, उनको मालूम है कि वायरस क्या है, सब कुछ क्या है। वो समझ गए कि शी हैड डाइड ऑफ वायरस, शी हैड लॉट ऑफ कोमोर्बिडिटीज, उन्होंने फौरन सील कर दिया गांव को, कोई ना कोई आए ना कोई जाए। लेकिन जनाजा उसी तरह से उठा जिस तरह के रवायती तरीका होता है, यानी कि हर एक ने हर एक से गले मिले, सब गले मिल के रोए, पूरे यू नो द होल थिंग, द होल वर्क्स, 4,000 बंदा जो है घुल मिल के उन्होंने जनाजा जो है वो उसके सबको मुकम्मल किए। एंड काफ़ी लोगों को हुआ भी वायरस, नॉट अ सोल रिपोर्टेड, किसी को कानो कान खबर नहीं है अथॉरिटीज में, क्योंकि उन्होंने आपस में तय कर लिया नहीं जी किसी को बताना नहीं। देवर नो डेथ्स, देवर वहाँ पे सिर्फ एक बेड था, कोई डॉक्टर नहीं था, उसने सबको पैरासीटामोल दे दिया, पेनाडोल दिया, जिस जिसको जरूरत थी। यस जो बच्ची थी, नौजवान लड़की जिसने माँ की देखभाल की थी, द मदर हु डाइड, शी विल केम बैक टू लाहौर विद द फैमिली एंड शी डाइड 3 days लेटर, but they did not report what she died of. It's very clear that she died of COVID-19, but it was the disease. So, you know, ye sari cheezein jo Benazir kahi thi, they slipped through the net. Aur hame nahi pata actual, you know, numbers kitne hain aur kaise hain, kyunki aise beshumar waqiat honge. Lekin I think HRCP aur jo log experts hain, I think some kind of a connection, constant connection, ongoing connection is required, क्योंकि report तो दे दी है HRCP ने, लेकिन मेरे ख्याल में ये हतमी चीज़ नहीं है, और मेरे ख्याल में और एक महीने के बाद मज़ीद बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी जो कि ज़रूरी हैं, they should be compiled, there should be further writing on it and further dissemination of data and facts. कभी कभी लगता है कि भाई इस सब का क्या फ़ायदा है, क्योंकि जिन लोगों से हम मुखातिब होना चाह रहे हैं क्या वो हमारी बात सुन रहे हैं कि नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कहा जुबैर साहब ने, ये एक इनफरादी अमल के ऊपर ये सब चीज़ जो है वो यू नो इट रेस्ट ऑन दैट, कि अभी सब लोग जो है ये सारी वेरी सिंपल थिंग्स दैट दे हैव टू डू, बट आई थिंक इट्स नॉट वेस्टेड, मेरा ये ख्याल है इट विल बी, इट इज़ वैल्यूबल, इट नीड्स टू बी रिकॉर्डेड, दीज डिलिब्रेशंस नीड टू बी ऑन गोइंग, अ मंथ फ्रॉम नाउ we should see where we are and we should draw further conclusions and just sort of see ke bhai kis had tak HRCP jo hai wo ye cheeze compile karke, kyunki HRCP ki baat suni jati hai, maybe not in the circles that we would like, lekin certainly ek public opinion mein uska hissa, so magar main bahut shukriya ada karna cha rahi hu Bilal, because this was very very valuable mere liye to listen to the two experts especially. मतलब I'm really really very very grateful, I'm very grateful, thank you so much, thank you. कोई और comment view जी लाल, मैं जरा एक छोटा सा यहाँ पे comment add करना चाहूँगी जी जी। unrecorded deaths का भी एक बहुत बड़ा issue है especially पंजाब में, again मैं पंजाब से ज़्यादा reporting करती हूँ, मेरे पास ज़्यादातर यहाँ का data होता है।
अनरिकॉर्डेड डेथ्स में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक तो हमारी टेस्टिंग कम है, दूसरा अगर आप यहाँ के कब्रिस्तान में, मैं लाहौर के सबसे बड़ा जो कब्रिस्तान है मियानी साहब, यहाँ पे इनको फ़ोन करके आप इनसे इनका डेटा लें तो वो आपको बताएंगे कि पिछले साल से और उससे पिछले साल का जब आप डेटा कंपेयर करें इस साल से जो आउटब्रेक का पीरियड है तो डबल हो गई है वहाँ पे जो बरियल्स हैं। तो इससे अंदाज़ा होता है कि शायद ये कोविड से ना हो, हो सकता है कि ये वो लोग हैं जिनको एक्सेस नहीं है, जैसे जुबैर साहब भी बात कर रहे थे, टू ए हेल्थ केयर सिस्टम, जिसकी वजह से यू नो दे हैव डाइड, और कोई रीज़न तो होगा, देर हैज़ टू बी सम रीज़न जिसकी वजह से आपके बरियल्स डबल हो गए हैं मई में, जून में, अभी मेरे पास जुलाई का पूरा डेटा नहीं है। तो दीज आर थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके अनरिकॉर्डेड केसेस, आर यू मिसिंग केसेस। अच्छा, ये चीज़ जब आप ऑफिशियल से पूछें तो वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो कोई भी केस मिस करते हैं। और जैसे अभी सलीमा साहिबा ने भी एग्जाम्पल दिया कि ऐसे बहुत से केसेस हैं जिनके पास, मेरे पास भी एग्जाम्पल है, किसी को पॉजिटिव टेस्ट करते हैं कोरोना वायरस के बाद, उसके बाद उनको हेल्थ डिपार्टमेंट से फ़ोन ही नहीं आता ये पूछने के लिए कि आपके घर में लोग कितने हैं जिनका टेस्ट होना है, क्या वो लोग घर से बाहर जा रहे हैं, नहीं जा रहे, उनका किन से कॉन्टैक्ट है। दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंजेंट कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सिस्टम जो आप 4 महीने हो गए हैं, एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट अभी तक वी हैव नॉट बीन एबल टू पुट इट इन प्लेस। जी सादिया, एक और बात जिसके तरफ मैं निशानदेही करवाना चाहती हूँ वो ये है कि जो एजुकेटेड लोग हैं जिनको मालूम है कि हैंड वॉशिंग करनी है, डिस्टेंस जो है वो मेंटेन करना है, और क्राउडेड जगहों पे कम से कम जाना है, हस्पे ज़रूरत घर से बाहर निकलना है, वो भी अभी तक उनके अंदर भी ये कॉम्प्रिहेंशन नहीं आई कि दे नीड अ लाइफस्टाइल चेंज, दे नीड अ बिहेवियर चेंज। और मैं खुद अभी चंद दिन पहले आई हैड गॉन टू अतर शीशा विच इज़ अ स्मॉल हैमलेट नियर एबटाबाद, और अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग वहाँ पे, देयर वाज अ ग्रुप दैट वाज विद मी, हम लोग एक कंसल्टेंसी के सिलसिले में गए थे, और बार बार वो मुझे जो है उन्होंने कहा आप डर रही हैं, आप घबरा रही हैं, आप फलाने घर में नहीं जाना चाहती हैं, आप उन लोगों को हेलो नहीं करना चाहती। आई सेड आई एम नॉट हेयर टू से हेलो टू एनीबॉडी, आई एम हेयर टू वर्क, और मैं नहीं जाना चाहती किसी भी घर में। तो ये जो एक हम लोगों का अपना रवैया है जिसको हमें ज़ाती तौर पर जिस पर हमें नज़र रखना है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। थैंक यू, शुक्रिया सादिया। जी फरीद साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? आपकी आवाज क्लियर नहीं है। आप शेयर कर रहे थे कि वहां पे रिपोर्टिंग के भी इशू आ रहे हैं और गवर्नमेंट के लेवल पे भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो वो पॉइंट आपके हाईलाइट हो गए हैं। इसमें कोई और साथी कोई अगर अपना कोई सवाल पूछना। जी जुबैर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि इस वक्त जो ये पेंडेमिक की सिचुएशन है, ये सारी जो कोविड के साथ आई है, क्योंकि ये 100 साल के बाद पहली एक तरह से पेंडेमिक है और जिसकी स्पीड अनप्रेसिडेंटली ज़्यादा है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज, एक तो उसकी डायमेंशन ये है कि पॉलिटिक्स और साइंस ये बहुत बुरे तरीके से गड़बड़ हुई है सारे प्रोसेस में, जिसमें यूएस का भी हाथ है, जिसमें समझने में भी लोगों को देर लगा कि ये है क्या। तो पाकिस्तान में भी मुझे लगता है कि किसी हद तक ये पॉलिटिक्स का जो इंटरवेंशन है, Our politicians need to learn this thing. There are a few things, the cross-cutting themes hain, jisme health hai, education hai. You need to work slightly differently on these things. You cannot really, kyunki data jaise Benazir baat kar rahi thi na, data are basically intelligence. You cannot defeat the army, the enemy with spurious kind of intelligence. You have to have very accurate intelligence. आपको ये अगर ये सही पता नहीं होगा तो आप दो चीज़ें करेंगे,
अगर आपको निशाने का पता नहीं है तो एक तो आप गलत जगह पे मारेंगे गोला, और वहां पे जो चीजें आपके एनिमी नहीं है उनका नुकसान करेंगे, तीसरा अपना एम्यूनेशन जया करेंगे। सो यू बेसिकली हैव मल्टीपल लेवल लेयर्स ऑफ डैमेजेस व्हेन यू डोंट हैव एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। आप वैक्सीन जया करते हैं, आप लोगों को मरने देते हैं, आप स्ट्रेस लेके आते हैं सोसाइटी में, उसकी फिर रेमिफिकेशन बहुत लंबी है और उसकी लिस्ट है। दूसरे मुझे लगता यह है कि जो पाकिस्तान की जो पब्लिक पॉलिसी का एनवायरनमेंट है, क्योंकि अभी तक हम किसी भी चीज़ का डेटा नहीं रखते, आपकी सारी इकोनॉमिक पॉलिसी ये सारी चीज़ें सब स्पूरियस हैं, बिलीव मी दीज आर ऑल स्पूरियस। जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स इस बुनियाद पर खड़ी है वो सारा गलत है पाकिस्तान में। इसलिए फिर आप क्या करते हैं, वो फलाना मुल्क ये करता है तुम भी ऐसे कर लो, श्रीलंका ने ये किया, आप दुबई में ऐसे होता तुम भी ऐसे कर लो, बट यू डोंट हैव द एविडेंस व्हिच इज रिक्वायर्ड टू हैव पॉलिसी एक्शंस। यू आर बेसिकली डैमेजिंग द कंट्री बाय नॉट हैविंग द एविडेंस, द एम्पिरिकल एविडेंस दैट यू रिक्वायर टू मेक डिसीजंस। और इस वक्त दुनिया में हर चीज इंक्लूडिंग दिस एपिडेमियोलॉजिकल सेंस, डेटा इज द वाटर, इट इज नॉट ओनली ऑयल, दिस इज वाटर, यू नीड इट। और बड़ा रैपिड आपको चीजों को रिस्पॉन्ड करने के लिए सारी चीजें चाहिए। मे बी HRCP एंड अदर्स राइट टू इंफॉर्मेशन हैज गॉट न्यू डायमेंशंस दैट यू नीड टू हैव एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, यू एंड दिस इंफॉर्मेशन एज बेनज़ीर हैज मेंशनड इट, दिस इज योर बेसिकली योर राइट, ऑल दिस इंफॉर्मेशन मस्ट बी इन पब्लिक स्फीयर। मतलब मैंने शुरू में डेटा कलेक्ट मैं देखता था, मैं चार्ट बनाता था, बिलाल आपको याद होगा, आपने तो बहुत कंसिस्टेंटली करते रहे, शुरू में मैंने ये सारा इसके रेट्स वगैरह निकालने की कोशिश की कि कोई चीज़ें दीज आर नॉट एडिंग अप, मैंने फिर छोड़ दिया, मैंने कहा यार इस चीज़ का कोई फायदा नहीं है कि आप इस पर क्या क्या किसी को क्या बताएं क्या कहें। इनके नंबर ऑफ टेस्ट कम हो गए तो पॉजिटिविटी कम हो गई, तो ये आप मतलब ये कोई चीज़ें बेसिकली इस किसी भी पेंडेमिक को रोकने का एक बड़ा बेसिक सा असूल है जो एपिडेमियोलॉजिस्ट जिसके ऊपर बात करते हैं कि यू एज सून एज यू फाइंड द वायरस यू हैव टू पुट इन द जेल एंड यू शुड नो वेयर द वायरस इज, जिसको वो टेस्टिंग आइसोलेशन आइसोलेटिंग और क्वारंटीन करना ट्रीट करना ये तीन वो स्टेप्स बताते हैं। ये दुनिया के हर वायरस के लिए यही है मेथड है, ये यूनिक इन द सेंस कि तेजी से फैला, बट ट्रीटमेंट तो ऐसे ही आपने स्मॉल पॉक्स का किया था, ऐसे ही आपने उस वक्त किया था स्पेनिश फ्लू का, ऐसे ही आपने पोलियो का करते हैं, इसी तरह आप कोविड का करेंगे। सो द पॉइंट व्हिच आई वांटेड टू रेज आर टू बेसिकली, वन दैट यू नीड टू डिसोसिएट पॉलिटिक्स फ्रॉम एम्पिरिकल साइंटिफिक नॉलेज, नंबर टू यू हैव टू मेक अ कंसर्टेड डिमांड टू हैव दिस ऑल दिस इंफॉर्मेशन पब्लिक। ये मुझे लगता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास एविडेंस जो है वो क्लियर हो, अनएम्बिगुअस हो और पब्लिकली एक्सेसिबल हो। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें जो की पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं वो तो मैं थोड़ा सा उनको सम अप कर देता हूँ। यहाँ पे हमने बात की है कि एक तो क्रेडिबल डाटा नहीं है टेस्टिंग के हवाले से और टेस्टिंग भी कम है, दूसरा ये कि जो रिसर्च के हवाले से हम स्कोप देख रहे हैं कि जो डिसीज केसेस रिपोर्टेड हैं और जो अनरिपोर्टेड हैं और जो ओवरऑल ट्रेंड है जो देखने में हमें नज़र आ रहा है उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और सोशल रिसर्चेज HRCP ने भी अभी एक रिपोर्ट कंपाइल की है और फर्दर भी उसमें कुछ एरियाज निकल के आ रहे हैं कि जिसमें ये रिसर्च हो सकती है। इसमें जो मुझे एक स्कोप नज़र आ रहा है डिस्कशन से वो ये कि हम एक मीडिया मॉनिटर जैसे रेगुलर एक एनुअल पब्लिश होता रहा है पहले सेफमा की तरफ से भी और HRCP की एक रिपोर्ट है, तो इसी तरीके से मेरा ख्याल है कि एक हेल्थ मॉनिटर जो है वो कहीं पे होना चाहिए कंपाइल और ये डाटा कलेक्शन, क्योंकि ये जो वायरस की लाइफ है ये दोबारा जो है ये नया साइकिल इसका स्टार्ट होगा इन अनदर 6 मंथ और अगर उस वक्त तक वैक्सीन नहीं होगी तो शायद ये दोबारा एक इसका कुछ स्पेल होगा इतना ही प्रॉब्लमेटिक। तो हमें थोड़ा सा इसके हवाले से कोई इंडिकेटर्स और कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो एग्री कर लेनी चाहिए ताकि इसको प्रॉपरली एविडेंस बेस्ड इसकी मॉनिटरिंग और हम एडवोकेसी कर सकें और अकाउंटेबिलिटी कर सकें।
इसमें जो एक आस्पेक्ट मुझे ये लग रहा है वो है उसमें इश्यूज का, कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी का, वो बड़ा लिमिटेड सा रहा है। जैसे जुबैर ने बात की कि हमें बहुत एक ही तरीके से फाइट करना होता है हर वायरस को, तो इसका मतलब ये है कि हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी जो है ना गवर्नमेंट में ना प्राइवेट सेक्टर में कोई ऐसी मजबूत नहीं रही। कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ फसी जका हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भी एक वीडियो बनाई उर्दू में भी और लोकल लैंग्वेज में भी, और इसी तरीके से इन्होंने डरना नहीं और लड़ना है, और उस पर इस तरह के कुछ मैसेजेस चले हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो एरियाज जुबैर ने बताए हैं, हमें बहुत सिंपल तरीके से एक अच्छी लोकलाइज कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी की भी ज़रूरत है और उसको भी आगे लेके जाने की ज़रूरत है। इसमें जो हम डिफरेंट पैटर्न देख रहे हैं डेटा के, उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ सकें। इसका मकसद हरगिज ये नहीं है कि हम कोई मिसट्रस्ट है, लेकिन मेरे ख्याल अकाउंटेबिलिटी के लिए जो है ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। और जैसे नाजिश ने भी कहा और सुलेमा ने भी हाईलाइट किया कि अब ये HRCP के इस प्लेटफॉर्म से फर्दर इन चीज़ों को रिस्पॉन्ड भी किया जा सकता है और फर्दर चीज़ें भी प्लान की जा सकती हैं। तो मैं आप साथियों का, बिलखसूस बेनजीर शाह का और जुबैर फैसल अब्बासी का शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप साथियों का, और यहाँ पे हम इस प्रोग्राम को कॉन्क्लूड करते हैं। थैंक यू जी।